शांदित वेलकम, मैं फहद बावजीर E99 एक्सप्रेस टीवी से आपके लिए ले आया हूं आईपीएल अपडेट। आईपीएल 2021 का 27वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। ये मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया था। मैच की शुरुआत में मुंबई ने पहले टॉस जीतते हुए गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से अंबती रायडू ने नाबाद 72 और मोइन अली ने 58 रन बनाए। मुंबई की तरफ से कायरन पोलार्ड ने 2 विकेट चटकाए। चेन्नई की तरफ से दिए गए 219 के लक्ष्य को मुंबई की टीम ने आखिरी गेंद पर पा लिया। मुंबई की तरफ से कायरन पोलार्ड ने सबसे ज़्यादा सबसे तेज 34 गेंदों में 88 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से सैम करन ने 3 विकेट चटकाए। पोलार्ड को अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। 2 मई को इस टूर्नामेंट के 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा और दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र। मुंबई से मिली इस हार के बावजूद चेन्नई 10 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर बरकरार है, वहीं दूसरी ओर मुंबई ने 8 पॉइंट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें। मैं फहद बावजीर E99 एक्सप्रेस टीवी के लिए साइनिंग ऑफ। कोरोना वायरस के इस मुश्किल वक्त में ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट मॉनिटर और दीगर चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए इजी एक्सप्रेस आपके लिए ले आया है डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर 2999 की जगह सिर्फ 1499 रुपये में। होलसेल और रिटेल में अपने ऑर्डर बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें या विजिट करें इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, 4th फ्लोर, MPM मॉल, एबिट्स, बिग बाजार पर। फार्मेसीज और होलसेल स्टोर्स भी रابطہ पैदा कर सकते हैं।